हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सनाज होम क्राफ्ट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा बलून रेनबो डेकोरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा कलरफुल और यूनिक थीम डेकोरेशन आइडिया है, स्पेशली फॉर किड्स बर्थडे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। तो चलिए फिर हम लोग इसको डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। मैंने बलून फुलाना स्टार्ट कर दिया है और रेनबो बनाने के लिए हमें 3 अलग अलग साइज़ के बलून्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसको मेजर करने के लिए मैंने कार्डबोर्ड में 3 अलग अलग शेप के सर्कल्स को कटिंग कर लिया था, जो कि लार्ज साइज़, मीडियम साइज़ और स्मॉल साइज़ में है। अभी मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के बलून्स फुला रही हूँ। तो मीडियम साइज़ के लिए मैंने ग्रीन और येल्लो कलर का इस्तेमाल किया है और उसके हिसाब से मैं इसको साइज़ मेजर कर रही हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे आर्च बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो आर्च के लिए आपको एक नॉट बांधनी है बलून के सेंटर में और ऐसे ही दो दो पेयर के बलून वन बाय वन एक के ऊपर एक रख के बांधते जाना है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इसी तरीके से इसके ऊपर क्रॉस वे में बलून्स को एडजस्ट करना है और वन बाय वन टाई करते जाना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे कलर को मिक्स नहीं करना है, कलर को सेपरेटली एक साइड ग्रीन और एक साइड येलो इसी तरीके से बलून को टाई करना है। और बलून का आर्च कैसे बनाना है, जैसे बलून को आर्च में कैसे टाई करना है, ये मैंने और भी मेरे दूसरे वीडियो में डिटेल्स में बताया है। तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का बनाया है, उसी तरीके से मैंने स्मॉल साइज़ में भी ऐसा ही एक आर्च बनाया है, जो कि पर्पल और ब्लू कलर का है। अभी यहाँ पे थर्ड आर्च बनाने के लिए मैं ऑरेंज और पिंक कलर के बलून्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जो है लार्ज साइज़ के बलून्स फुलाने हैं, जो कि हम लोगों ने पहले मीडियम और स्मॉल साइज़ का आर्च बनाया है। तो अभी इन बलून का इस्तेमाल करके हम लोग लार्ज साइज़ का आर्च बनाएंगे। और यहाँ पे जो कार्डबोर्ड बॉक्स पे मैंने सर्कुलर कटिंग्स किया है, वैसे ही रैंडमली किया है, कोई मेजरमेंट नहीं लिया था, सिर्फ साइज़ के हिसाब से मैंने रैंडमली उसकी कटिंग की है। जैसे कि मैंने पहले दो आर्च बनाए हैं, उसी तरीके से मैं अभी थर्ड आर्च भी बना रही हूँ। टोटल 3 आर्च बनाने हैं हमें पूरे रेनबो को पूरा कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे मैंने टोटल 6 कलर्स, अलग अलग कलर के बलून का इस्तेमाल किया है। पूरे रेनबो डेकोरेशन में हमें सिर्फ दो दो के ही बंच बनाने हैं, 4-4 के बंच नहीं बनाने हैं, क्योंकि कलर एडजस्ट करने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ दो दो के ही बंच बना के कलर को वन साइड एडजस्ट करके उसको टाई किया है। अभी यहाँ पे हमारा थर्ड आर्च भी बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कि तीनों आर्च रेडी हो गए। तो अभी हम लोग इसको टाई करेंगे। रेनबो को बांधने से पहले आपको उसको अच्छे से सेट करके लेना है और इसके जो आर्च के जो तीनों एंड्स हैं उसको वन बाय वन टाई करना है और उसको रेनबो के शेप में एडजस्ट करना है, जैसे हाफ मून के शेप में उसको एडजस्ट करना है और इसके एंड्स को बांधना है। जैसे कि मैंने वन साइड का ऑलरेडी बांध दिया है और उसी तरीके से मैं नेक्स्ट साइड पे भी बांध रही हूँ। यहाँ पे मैंने डोरी का इस्तेमाल किया है इसको बांधने के लिए, आप चाहिए तो रिबन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको मून शेप में एडजस्ट करके सेंटर से भी इसी तरीके से बांधना है, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में। और ये आप देख सकते हैं कि हमारा रेनबो पूरी तरीके से रेडी हो गया है। और अभी यहाँ पे मैं क्लाउड्स बनाने के लिए वाइट कलर के बलून्स को फुला रही हूँ। इसको मैंने अनइवन शेप में फुलाया है और पूरे वाइट कलर्स के ही इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे कोई दूसरा कलर मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हम लोग ये वाइट क्लाउड्स बनाने वाले हैं। और जैसे नॉर्मल मैं आर्च बनाती हूँ, उसी तरीके से इसको टाई करना है, पर बलून का शेप अनइवन रहेगा, जैसे कि थोड़े बड़े छोटे, ताकि एक क्लाउड का लुक दे। और इसको बांधने के लिए भी मैंने यहाँ पे डोरी का इस्तेमाल किया है, आप चाहिए तो रिबन आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि कुछ थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, खींचने पे टूटनी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से कोई भी आप डोरी या रिबन का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक क्लाउड बना के रेडी कर लिया है और उसी तरीके से मैं दूसरी साइड का भी क्लाउड बना रही हूँ।
और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको भी सेम आर्च के जैसे ही बनना है, और आर्च बनाना मैंने मेरे पहले के दूसरे वीडियोस में भी बताया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से रेफ़र कर सकते हैं। और यहां पे मैंने जो क्लाउड्स बनाए थे उसको मैं रेनबो के साथ में टाई कर रही हूँ। इसको टाइटली खींच के बांधना है ताकि वो एक दूसरे में एडजस्ट होके अच्छे से बैठ जाए, और इसी तरीके से दोनों साइड पे दो क्लाउड्स जो बनाए थे उसको दोनों साइड पे बांधना है। और ये हमारा कम्प्लीटली रेनबो रेडी हो गया है, और इसको मैं वॉल पे अटैच कर दिया है ऑलरेडी। अगर आपको जानना है कैसे वॉल पे अटैच करना है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी कि इसको वॉल पे कैसे मैंने अटैच किया। डेकोरेशन को जल्दी कंप्लीट करना था तो थोड़ा लेट हो रहा था, इसलिए मैंने इसको शूट नहीं किया है। अगर आपको जानना है तो मैं आपको ज़रूर उस पर वीडियो अपलोड करूँगी। मैंने यहाँ पे 3 स्टैंड्स भी बनाए थे, और उसके ऊपर मैंने बर्थडे गर्ल का नेम भी अटैच किया था, जो कि फॉइल बलून्स थे। और मैंने 2 क्लाउड एक्स्ट्रा बनाए थे जिसको हैंग करने के लिए, और उसमें फेरी लाइट भी अटैच कर दी थी और उसको ऊपर हैंग भी कर दिया था। तो ये हमारा डेकोरेशन पूरी तरीके से रेडी हो गया है, तो चलिए अब हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और भी ऐसे अलग अलग डेकोरेशंस और आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।